तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हम डिस्कस कर रहे थे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉक्सियल सोलेनोइड कॉक्सियल सोलेनोइड में ये था आउटर वाला जो है आउटर या इनर इसको मान लेते हैं ये था इनर सोलेनोइड इनर सोलेनोइड के ऊपर से जो है ये है आउटर सोलेनोइड आउटर सोलेनोइड इसके नंबर ऑफ टर्न्स को ऐसे डॉटेड लाइन से डिनोट कर देते हैं थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इस आउटर वाले को हमने ले लिया था क्या आउटर को वन से डिनोट कर रहे थे तो ये नंबर ऑफ टर्न्स है है और इसको जो इनर को आउटर वाला क्या था प्राइमरी आउटर वाला था प्राइमरी और इनर वाला था सेकेंडरी सेकेंडरी यहाँ पे कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी वो हमारे चॉइस के ऊपर है कैलकुलेशन जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम अपने चॉइस के हिसाब से लेते हैं वैसे ही यहाँ पे है तो एन वन आउटर है और इनर है एन टू तो यहां से फाइंड किया सब कुछ लेंथ दोनों की सेम है दोनों की लेंथ सेम थी तो जो कोफिश ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड किया एम टू वन या वन टू ये दोनों सेम होगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन वन इन टू एन टू इन टू कॉमन वॉल्यूम वी टू अब अगर इनके कोएक्ल कोयल एग्जैक्टली सेम कोएक्ल कोयल इफ द वन सोलिनॉयड ओवरलैप्स द अदर सोलिनॉयड

वॉल्यूम कॉमन हो जाएगा वी टू अगर इसके साइज को बड़ा कर देते हैं तो ओवरलैप exactly कर जाएंगे मतलब क्या है कि सेम टाइप का कोई मटेरियल है उस पर जो है एक बार नंबर ऑफ टर्स हमने एक ऐसे ऐसे कर दिया ये हो गया एन वन का और सिमिलरली सेकंड है ऑब्वियसली एक दूसरे से इंसुलेटेड होंगे उनके ऊपर कोटिंग होगी ऐसा नहीं कि वो आपस में ही सब कनेक्ट हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कोटिंग है उनके ऊपर एक ऐसे ऐसे वाइंड कर दिया दूसरा ऐसे ऐसे वाइंड कर दिया नंबर ऑफ टर्न्स एन वन है एन टू है बट उनका वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है तो वी टू की जगह क्या आएगा जो कॉमन वॉल्यूम है ओवरलैपिंग अगर सोलेनॉइड है तो पहला तो ये पार्ट जो है डेरिवेशन में आएगा भाई ठीक है ये आएगा तो इसको याद रखना है कैसे लेना है बस अब इस क्वेश्चन में डेरिवेशन बहुत आसान है बट टर्म्स एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करोगे वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी डिनोट करोगे क्या है एन वन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न स्मॉल एन वन इज इक्वल टू कैपिटल एन वन बाई एल तो जो डेफिनेशन ऑफ टर्म्स है उससे जो है काफी स्पेस फिल करना है और उसके बाद जो है थ्री मार्क के अकॉर्डिंग फिर इसके बाद वन सोलिनॉड नॉट ओवरलैप्स विद दर तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट एन वन एन टू इंटू वॉल्यूम अब इन दोनों सोलिनॉयड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है म्यूनॉट एन टू स्क्वायर इंटू वॉल्यूम तो क्या यहाँ पे यह समझ पा रहे हो कि जो m है m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल वन इंटू एल टू

तो बेटर मैग्नेटिक लिंकेज है तो दो कॉल अगर करेंगे, तो उनका मान लो हम उसका वॉल्यूम कम करते हैं जैसा कि प्रीवियस केस में था इनर वाला थोड़ा छोटा था बाहर वाला जो है बड़ा था तो उस केस में सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनर के थ्रू पास नहीं करेंगी तो चेंज होगा तो उसको क्या कर सकते हैं कि जनरल हम लिख सकते हैं कि जो ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो हो जाएगा k टाइम्स ऑफ ऑफ स्क्वायर रूट l1 L2. कि k की क्या होगी वन होगी मान लो दोनों बिल्कुल एकदम जीरो हो गया एकदम छोटा हो गया या दोनों कॉयल्स बहुत ही डिस्टेंस पे चले गए आपस में एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे तक पहुंच ही नहीं रही है तो आपस में कोई लिंकेज नहीं होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टेंट है के के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वन और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जीरो और इस के को हम बोलते हैं कपलिंग कॉन्स्टेंट कपलिंग कॉन्स्टेंट कपलिंग कॉन्स्टेंट कपलिंग कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ कपलिंग और कपलिंग कॉन्स्टेंट ये जो है एक पेयर की प्रॉपर्टी है म्यू नॉट इज इक्वल टू के इंटू रूट एलेवन एल टू और इसकी वैल्यू जीरो से वन तक वेरी करती है किसी भी सिस्टम के लिए हम ऐसा जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं अब कहीं पे अगर हाफ ओवरलैपिंग हो रही होगी तो यहाँ पे पॉइंट फाइव आ जाएगा कहीं पे जो है वन फोर्थ हो रहा होगा तो वहां पॉइंट टू फाइव आ जाएगा तो अकॉर्डिंगली इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज होगी मैक्सिमम कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या पॉसिबल है वो रूट एलेवन एल टू पॉसिबल है ठीक है अब एक दो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशियंट कैलकुलेट करने के क्वेश्चन लेंगे हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल कि क्वेश्चन ये है कि एक लार्जर लूप है एक लार्जर लूप है जिसकी रेडियस है बी नंबर ऑफ टर्न है इसमें नंबर ऑफ टर्न बहुत सारे टर्न है सेमी रेडियस पे बाउंडेड है सेमी रेडियस पे बाउंडेड है इसकी रेडियस है बी और नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसके मान लेते हैं एन मान लेते हैं इसमें एन वन एन वन मान लेते हैं एन वन और एक दूसरा कॉयल है जिसकी की इस ये इस प्लेन में है दूसरा जो कॉयल है वो किसी दूसरे प्लेन में है दूसरे प्लेन में है मतलब इसके साथ ऐसे टाइप का एंगल ये बना रहा है ऐसा बना सकते हैं ये दोनों सेंटर दोनों को एक कॉन्सेंट्रिक है, है और इसकी रेडियस जो है अच्छा है अच्छा ठीक अभी ओवरलैपिंग ही ले, ले लेते हैं बाद में एंगल चेंज करेंगे तो मान लिया कि सेम प्लेन में को प्लानर एंड कॉन्सेंट्रिक है सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं और सेंटर भी इनका कॉन्साइड कर रहा है और इसकी रेडियस है ए इसकी रेडियस ए है नंबर ऑफ टेंटू है ठीक है अब इसमें हमें फाइंड करना है कि ये जो दो कॉल्स हैं ये दो कॉइल्स हैं इसके मैग्नेटिक कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा ऑफ ऑफ म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्शन इसमें क्या होगा coefficient of mutual induction हमें फाइंड करना है तो ऐसे मान लेते हैं ये को प्लानर है बिल्कुल थोड़ा सा डायग्राम ऐसे क्लियर है ये सेंटर है एक ही प्लेन में है रेडियस ए है और नंबर ऑफ टर्न है टू तो फाइंड द कोफिशियंट ऑफ फाइंड कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर दिस सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ कॉइल्स इस सिस्टम ऑफ कॉल्स के लिए कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हमें फाइंड करना है तो अब फिर से कैलकुलेशन डिपेंड करता है क्या करते हैं जो बेसिक स्टेप क्या है बेसिक स्टेप है कि हम किसी में करंट मान लेते हैं और दूसरे में फ्लक्स फाइंड करते हैं और फिर फाइव बाई आई क्या हो जाता है कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन तो अब यहाँ पे ये यह गिवन है कि ये जो कॉयल है बहुत ही स्मॉल है मतलब ए इज वेरी छोटा एज कम्पेयर टू बी बहुत ही स्मॉल है तो अब ऐसे केस में मैं फाइंड करना है अभी तो इसमें क्या है कि अगर हम कैलकुलेट करने के लिए हम प्राइमरी और सेकेंडरी लेंगे प्राइमरी में करंट लेंगे सेकेंडरी का फ्लक्स फाइंड करेंगे तो अगर मान लो हम इनर को प्राइमरी मानते हैं और आउटर को सेकेंडरी मानते हैं तो इनर में करंट लेंगे इनर में करंट लेंगे तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें तो सेंटर पे पता है म्यूनाटाई बाई टू आर सेंटर पे होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी और फिर वापस जो है इसको इंटरसेक्ट करेंगी ऐसे होगा अगर सोचोगे कि मान लो तुम अगर ए में करंट सोचते हो ए में करंट सोचते हो ये जो है ए है तो ए में करंट लिया तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी और ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी इंटरसेकट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे यहाँ से ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे डाउन जाएंगे ये क्या है ये है इसका प्लेन तो अब इस आउटर वाले के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेशन बड़ा डिफिकल्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जूम करेंगे कहाँ से जाएगा वहाँ से चलो ठीक है ये तो परपेंडिकुलर जाएगा बट मैग्नेटिक फील्ड का हमें फॉर्मुला नहीं पता है ठीक है कि रिंग के वजह से कहां पे क्या लिख सकते हैं तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अगर हम इनर को प्राइमरी मान लेते हैं आउटर को सेकेंडरी मान लेते हैं तो हमारे फ्लक्स का कैलकुलेशन बड़ा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट एक तरीके से कैलकुलेशन हमारा सिंपल हो सकता है कि अगर हम आउटर को प्राइमरी मान लें क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी के चॉइस पे म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड ही नहीं करता है तो हम क्या करेंगे ऐसे सेलेक्ट करेंगे सो दैट कि हमारे लिए कैलकुलेट करना इजी हो तो अगर हम इसको प्राइमरी मान लेते हैं प्राइमरी मानने का क्या लॉजिक समझ में आया कि ऐसे लेना है सो दैट कि हमारा फ्लक्स का कैलकुलेशन ईजी हो तो अगर हमने इसको प्राइमरी कॉयल मान लिया आउटर वाले को तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी अब प्राइमरी में मान लेते हैं करंट आई से डिनोट कर देते हैं ये है आई अब इस आई वन के वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है कहां पे सेंटर पे रिंग के सेंटर पे सिर्फ हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है जो कि म्यू म्यूनॉट आई बाई फोर पाई आर होता है क्यों म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर होता है चाहिए है फॉर्मूला अरे कहीं तो सुन ही नहीं रहे हैं कि जो बोलो नॉट आई बाई टू आर म्यू नॉट आई बाई टू आर म्यू <laughs> म्यूनॉट आई बाई टू आर।, आर सेंटर पे अब बट यहाँ पे ये यह जो अप्रोक्सीमेशन गिवन है कि ये रेरिया बहुत ही ये रेडियस बहुत ही इनर वाला स्मॉल है तो ऑलमोस्ट सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम पूरे स्मॉलर लूप पे कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि वो सेंटर के आसपास ही है कि अगर कहीं पे भी रिंग का यहाँ पे सेंटर है तो ये छोटा सा कॉयल है तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम ऑलमोस्ट पूरे लूप पे सेम मान सकते हैं तो ऐसे केस में भाई चलो तो हम क्या अगर इसको प्राइमरी मान लिया तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी बी वन बी वन क्या हो जाएगा मे नॉट आई वन डिवाइडेड बाई टू आर बी और ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है इसके सेंटर पे है बट ये लूप स्मॉल है तो ये लूप स्मॉल है लूप इज स्मॉल एज इनर लूप इनर लूप इज स्मॉल इनर लूप इज स्मॉल सो बी वन इज यूनिफॉर्म ओवर लूप लूप का रेडियस बहुत ही स्मॉल है तो उस बीवन को हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं जब बीवन को यूनिफॉर्म मान लेंगे तो फ्लक्स क्या, क्या, क्या करेंगे ये सेकेंडरी तो फाई टू। फाई टू। फाई टू इस टू। क्या है, इसका फ्लक्स हम लिख सकते हैं? अब फ्लक्स के लिए आएगा बी डॉट एस।, एस, तो एस अब बी किस डायरेक्शन में है बी यहाँ से देख लेते हैं अगर इस सेंस में करंट आ रही है ये हमारा जो ये जो लाइन है ये आउट ऑफ द प्लेन है तो यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगी जब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एरिया भी क्या करते हैं उसी डायरेक्शन में मान लेते हैं सो दैट कि फ्लक्स पॉजिटिव रहे कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करना है तो फ्लक्स को पॉजिटिव रख लेते हैं यहां से ये यह हो जाएगा फ्लक्स फाइव टू फाइव टू इज इक्वल टू बी डॉट एस तो एरिया वेक्टर भी सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड बी एरिया ऑफ सेकेंडरी

एक टन के लिए इतना एरिया है तो टोटल कितना फ्लक्स हो जाएगा ये हो जाएगा एन टू हो जाएगा और यहाँ पे एन वन भी होगा नंबर ऑफ टर्न से एक टर्न के लिए लिया था एन वन इन टू टर्न है तो एन वन इन टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से फाइव टू फाइव टू बाई आई वन इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन ये ये जो ऑफ म्यूचुअल है क्या ये म्यू के ऊपर डिपेंड करता है नॉट क्या होता है नॉट तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है किसकी फ्री स्पेस की वैक्यूम की और एयर की इसकी वैल्यू कितनी होती है इसकी वैल्यू होती है फोर पाई इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन तो ये म्यूनॉट तो मीडियम है अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे इसको किसी और सब्सटेंस के अंदर रखेंगे तो ये म्यू नॉट चेंज हो जाएगा हेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी चेंज हो जाएगा और ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है रेडियस बड़ा या छोटा होगा तो अकॉर्डिंगली ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बड़ा या छोटा हो जाएगा चेंज हो जाएगा अब ओरिएंटेशन के ऊपर अगर डिपेंड करता है ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ओरिएंटेशन तो कहोगे कि कहीं पे आया ही नहीं तो अब अगर हम ओरिएंटेशन को कंसीडर करना चाहें कि सपोज इस लूप का जो प्लेन है वो लार्जर लूप के प्लेन से थीटा डिग्री पे टिल्टेड है लूप का जो भी प्लेन है ये मान लिया कि ये एक का है और ये का प्लेन है तो अभी हम क्या करते थीटा डिग्री हम कर देते हैं तो अगर थीटा डिग्री टिल्ट कर दिया तो कितना होगा इंडक्शन ये बताना है कि अगर थीटा डिग्री इसको टिल्ट कर दिया तो व्हाट इज द इंडक्शन फॉर्मूले में क्या आएगा किसी को कोई तो सोच रहा होगा मनी मन की साइन थीटा या कॉस थीटा ऐसे कुछ आएगा क्या आएगा भाई कि ये कि ये है ये हमारा स्मॉलर लूप था और इसकी ये सेंटर थी और यहाँ से हमारा जो लार्जर लूप था इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे थोड़ा उतना डायग्राम से जो फील नहीं आ है पाएगा हैं ऐसा है ये कुछ अजीब ही लग रहा है लेकिन ठीक है समझना है लार्जर ये, लूप ये है और हमने क्या कर दिया इसको जो है यहां से थोड़ा सा उठा दिया और ये तो ए है कॉन्सेंट्रिक ही है सेंटर सेम है बट नॉट को प्लानर कॉन्सेंट्रिक बट नॉट को प्लानर सेम प्लेन में नहीं है तो ये हो जाएगा रेडियस इसकी बी है अगर हम साइड से देखना चाहते हैं इसको जो है साइड से ऐसे देखते हैं साइड से ऐसे देखेंगे तो हमें दिखेगा ये जो है बड़ा वाला लूप दिखेगा और इससे छोटा वाला लूप हमें ऐसे दिख जाएगा जिसका सेंटर सेम है और ये एंगल गिवन है थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ स्मॉलर लूप एंड लार्जर लूप आउटर का नंबर ऑफ टर्न एन वन है और इसके नंबर ऑफ टर्न एन टू है तो क्या देखना क्या चेंज होगा भाई केवल फ्लक्स का कैलकुलेशन चेंज होगा फ्लक्स का कैलकुलेशन क्या था हमने क्या किया करंट इसमें मान लिया प्राइमरी प्राइमरी क्यों क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इजी है कैसे पता चला वो ट्राई करके पता चला कि इनर में करंट मान के देखेंगे तो फ्लक्स के लिए लगेगा कि कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे आउटर में करंट मानेंगे तो इनर स्मॉल लूप है तो डायरेक्टली हम वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ से ये करंट ऐसे है इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में और इसका एरिया वेक्टर इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर ये एंगल थीटा ये 90 है 90 माइनस थीटा तो क्या ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा एस वेक्टर और ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा एक्सप्रेशन में क्यों क्यों क्या चेंज होगा बी ये हमारा बी है बी वन इज इक्वल टू और जो phi 2 होगा फाई टू हो फाई टू is equal to b dot s, b dot s को हम लिख लेंगे b into B1 into area of 2 into cos theta, बस वहाँ पे थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाएगी तो सब कुछ सेम सेम है लिख ही लेते हैं इसको mu नॉट n1 i1 divided by डिवाइडेड बाई टू ये हो जाएगा n2 into pi, क्या हो जाएगा a square into cos theta। ठीक है, थीटा। ये टू, तो म्यूचुअल इंडक्शन, लेना होता है, वही बेकार का बार बार। क्या ओरिएंटेशन वाला फैक्टर आ गया यहाँ पे ओरिएंटेशन वाला फैक्टर आ गया थीटा तो ये हमारा हो गया म्यूचुअल इंडक्शन की डिपेंडेंसी बताओ भाई डाउट इसमें जल्दी बताओ किसी को कोई डाउट एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव अगर इस पर सॉल्व कर लिया जाए कि सेम यही लूप है इसको क्या किया लूप को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया लूप को ऊपर शिफ्ट कर दिया ये बड़ा लूप है इसके ऊपर छोटा सा लूप है ऐसे प्लेन दोनों के पैरल है और सेकेंड वाले केस में प्लेन दोनों के परपेंडिकुलर है इस केस में अगर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है m1 और इस केस में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है m2 तो मान लिया ये पूछा जाए कि कौन सा m1 इज मोर देन m2 है या m2 इज मोर देन m1 है क्या बताओगे इसमें से कि दो m1 इस टाइप के स... क्या होगा भाई m1 ग्रेटर देन m1 ग्रेटर देन m2 क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं कि m1 जो है ज्यादा होगा m1 ज्यादा क्यों होगा यहाँ से जो भी अगर करंट फ्लो होगी तो यहाँ से बेटर लिंकेज होगा ना यहाँ से देखो फील्ड लाइन यहाँ पे जाएंगी यहाँ से इसको पास करेंगी तो इनके बीच में मैग्नेटिक लिंकेज होगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा तो लाइन ऑलमोस्ट एक दो ऐसे जो भी जा रही होंगी वो क्या होगा इसको टच करते हुए चली जाएंगे और जो बाकी होंगी ऐसे डाइवर्स हो जाएंगी

ऐसे और इसको बोल देते हैं एम थ्री तो एम थ्री को किधर अरेंज करेंगे क्या ऑर्डर हो जाएगा अभी ये एम वन से भी ज़्यादा होगा या कम होगा क्या बोलते हो यहाँ पे कैसे ऑर्डर अरेंज करेंगे मोर देन एम वन लेस देन एम वन मोर देन एम टू क्या ऑर्डर होगा लो भाई अरे यहां से कुछ सोचो बेट म्यूचुअल इंडक्शन क्यों हो रहा है म्यूचुअल इंडक्शन तभी होगा जब आपस में मैग्नेटिक लिंकेज होगा जब किसी से कोई कनेक्शन ही नहीं होगा तो कोई भी पर, किसी को कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया में भाई लाखों लोग हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ किसी का कनेक्शन था सोचते थे लोग जानते थे उसको तो अगर उसको कुछ हुआ तो उस इवेंट से जो है अफेक्ट हुए ऐसे तो हजारों लोगों के साथ रोज हो रहा है कोई उसको नहीं जानता है, तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो कोई भी इस तरह की फीलिंग या फिर कोई भीटेंस डेवलप नहीं होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन होने के लिए फ्लक्स चेंज होने के लिए आपस में लिंकेज होना चाहिए यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलमोस्ट टच करती हुई चली जा रही है यहाँ पे क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और ऐसे इंटरसेक्ट तो कर रही है बट इधर क्या इसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पे ऐसे 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 जा रही हैं बट अगर साइड में लेके आ रहे हैं तो सिर्फ यही लाइन जो है घूम के यहाँ तक आ रही है बाकी सारी क्या कर रही हैं दूसरे डायरेक्शन में चली जा रही है तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक लिंकेज है बट पुअर है वीक है एज कंपेयर टू वन क्या बिल्कुल जीरो है नहीं बिल्कुल जीरो नहीं है एम टू में क्या है एम टू में जीरो के आसपास है क्यों जीरो के आसपास क्योंकि वो तो लाइन के ही है तो यहाँ बेटर लिंकेज नहीं है यहाँ पेरल है तो लाइन ऐसे जा रही है और डायवर्स हो रही है तो डायवर्स हो रही है वहीं पे वो है तो ना इधर से भी कुछ नहीं मिला इधर से भी कुछ नहीं मिला काम खत्म तो एम टू ऑलमोस्ट जीरो है सबसे मैक्सिमम कौन सा होगा एम होगा तो एम वन के बाद कौन सा हो जाएगा एम थ्री के बाद हो जाएगा एम तो डी में कुछ भी लिख देते हैं न NaN ऑफ दिस लिख देते हैं और इसको कर देते हैं कि सी इसमें करेक्ट है भाई बात समझ में तो ऐसे कैलकुलेट हुआ ठीक है ऐसे कैलकुलेट हो गया ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दो सिस्टम का हमने कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैलकुलेट किया एक तो कोप्लेनर जो लूप है और कोएक्सियल ओवरलैपिंग सोल्नॉइड किसी को डाउट हो तो बताओ नहीं ठीक है तो ये जो ये लिख दिया डी जो है नन नन ऑफ दिज आंसर हो गया इसका सी तो कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया अब 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 एक और एक और क्वेश्चन जो है कि ऐसा कोई वायर है एक वायर है और उसके साइड में एक लूप है सिंगल टर्न है वायर में करंट फ्लो हो या ना हो ऐसा मान लो वायर का सिस्टम करंट मान लेते हैं जीरो एक वायर है और एक साइड में लूप है स्क्वायर लूप है स्क्वायर लूप है स्क्वायर के जो साइड्स हैं वो ए है और इसकी डिस्टेंस है एल इस सिस्टम का हमें फाइंड करना है कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करना है किसका इस वायर के सिस्टम का और प्लस ये ठीक है अब इसमें इसमें कोई कहेगा कि यार ठीक है वायर में करंट अगर चेंज होता है वायर में अगर करंट चेंज होगा मान लो करंट कैसे चेंज होगा क्या यहां से फ्लक्स लिख पाएगा भाई कोई मैग्नेटिक फील्ड से अगर करंट दिया हुआ है तो फ्लक्स लिख पाओगे वो एल एन वेल एन वाला याद है एक्स लेते थे डी लेते थे बी इंटू डी एक्स करके इंटीग्रेट करते थे वो सब स्टार्टिंग में तो उसे हम फ्लक्स लिख लेंगे अगर इसमें करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा यहाँ पे करंट चेंज होगा तो फ्लक्स इधर का चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा तो ये फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा मतलब इसके करंट चेंज का अपोज करेगा ये कहोगे लेकिन ये तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि इसमें क्या फ्लक्स लिंकेज है भाई इसके वायर की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या कर रही है इस लूप के थ्रू जा रही है तो अगर इसमें करेंट चेंज होगा तो इधर जो है फ्लक्स चेंज होगा तो मतलब ये सिस्टम आपस में मैग्नेटिकली लिंकेज है तो अगर इसमें करेंट चेंज होता है तो वो उसका अपोज करेगा अपोज करेगा तो तो हमें फाइंड करना है फाइंड ये इंफाइनेट तक है भी इन्फाइन तक फाइंड कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर दिस कॉम्बिनेशन म्यूचुअल ऑफ कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर दिस कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा तो करना क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी लेना है तो प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे लेंगे सो दैट कैलकुलेट करना इजी हो अगर मान लो इसमें करंट एज्यूम करोगे तो वायर का कुछ फ्लक्स समझ में आ पाएगा अगर इसमें हम कुछ करंट एज्यूम करते हैं तो वायर का फ्लक्स नहीं लिख पाएंगे बेटर यह है कि हम इसको प्राइमरी ले लेते हैं अब किसी के दिमाग में आ गए सर लेकिन वो तो क्वल होता था ना ये तो वायर को क्या प्राइमरी ले, ले लेंगे ये भी एक सिस्टम ही है क्योंकि ये कहीं ना कहीं से तो ऐसे बैटरी से कनेक्टेड होगा इधर कहीं ना कोई तो ड्राइविंग फोर्स होगा ये कंप्लीट ऐसे आइसोलेशन में तो होगा नहीं ये भी एक लूप ही है जहां पे ये कनेक्टेड होगा अब ये लूप और ये लूप का हम डिस्कस कर रहे हैं बट इस लूप का हमें पता नहीं है कि यहाँ पे करंट लिख के मैग्नेटिक फील्ड लिख के हम फाइंड कर पाए तो इसमें क्या करेंगे कि करंट हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे भाई करंट यहाँ है यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से एक्स डिस्टेंस लेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा प्राइमरी लूप हो जाएगा ये बात समझ में आ रही आइसोलेटेड वायर की तरह से कंफ्यूज नहीं होना है कई बार जब बाद में सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चल रहा है भाई एक वायर का कैसे फ्लक्स लिंकेज है है वायर नहीं है, वो तो पूरा लूप है कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होगा तभी तो करंट फ्लो हो रही है तो इसमें अगर करंट चेंज होगी तो उधर का फ्लक्स चेंज होगा उधर करंट चेंज होगी तो ये भी इसको अफेक्ट करेगा लेकिन हम क्या है एम फाइंड करने के लिए ऐसा एज्यूम लेंगे सो दैट फ्लक्स का कैलकुलेशन ईजी हो तो हमारा ये प्राइमरी हो जाएगा और ये सेकेंडरी हो जाएगा ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी हो गया तो इसमें करंट ले लिया तो फिर हमारा होगा एक्स ले यहाँ ले हो हो बी वन, बी वन तो हो से डिस्टेंस है अभी भी याद है म्यूनोट आई बाई टू बाई एक्स तो अब इस एलिमेंट के थ्रू कितना हो जाएगा डी फाइव डी फाइव कितना हो जाएगा बी इन एरिया डी फाइव बेटर है इसको क्या लिख लें डी फाइव टू b1 into area क्या हो जाएगा a into dx a into dx ये हो जाएगा हमारा dx तो a into dx अब y2 को हम अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे पुट कर देते हैं भाई क्या है ये हो जाएगा mu not i1 i1 मान लेते हैं इसको i1 है ये mu not i1 भाई ठीक है सभी rejoin कर देंगे डिस्कनेक्ट होगा दोबारा rejoin कर लोगे तुरंत उसमें

क्या आई बात समझ में किसी को कोई डाउट मैग्नेटिक फील्ड लिखा फ्लक्स लिखा और फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट ये जो है आई वन